मिडिल ईस्ट अब जंग का अखाड़ा बन चुका है, जिसकी शुरुआत तो इसराइल हमास युद्ध से हुई थी, मगर जंग की आग इतनी तेजी से भड़की कि अब उसमें ईरान समर्थित कई संगठन भी कूद पड़े हैं। इसके चलते इजरायली सेना चौतरफा हमलों से जूझ रही है। माना जा रहा है कि ईरान के बुने प्रॉक्सी वॉर वाले जाल में इसराइल फंसता चला गया है। यमन से लेकर लेबनान तक, इराक से लेकर सीरिया तक के फिलिस्तीनी समर्थक संगठन, तो वहीं गाजा में भी हमास और उसके साथी लड़ाके छिपकर इजरायली बलों पर कहर बरपा रहे हैं। इस बीच लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेनाओं के खिलाफ कई हमले किए। इससे उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायलियों और उसकी पोजीशंस को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्ला ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि मेटुला की बस्ती में इजरायली बलों की ओर से इस्तेमाल ठिकानों पर और अल मनारा की बस्ती में इजरायली कैंप पर भारी बमबारी की गई। इसी तरह का एक ऑपरेशन शलोमी की बस्ती में हुआ। इसमें लड़ाकों ने इजरायल की ओर से सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे दो ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों की ओर से इस्तेमाल की गई खाली इमारतों पर भी भीषण हमला कर उसे तबाह किया है। हनीता नामक इलाके में दो बिल्डिंग्स पर भी रॉकेट से वार किया गया। वहीं अवीविम में दो और इलाकों पर अपने सटीक हमलों से तबाही मचाई। हिजबुल्ला ने इजरायली राहिब मिलिट्री साइट पर सीधी मिसाइलें दागी हैं। इसमें इजरायल की ओर से कई जासूसी उपकरण लगे थे, जिन्हें खाक कर दिया गया। इसके अलावा प्रतिरोध ने मलिकिया पर सटीक मिसाइलों और तोपखाने हमले किए हैं। इसमें जान माल दोनों का नुकसान का दावा किया गया है। IDF ने भी इन हमलों में एक इजरायली सैनिक के मारे जाने की पुष्टि की है। बताया गया कि हिजबुल्ला ने यारा की बस्ती में पश्चिमी कमान के हेडक्वार्टर पर भी जबरदस्त धावा बोला है। प्रतिरोध ने ब्रानेट बैरिक में यूनिट 91 के मुख्यालय और कब्जे वाले लेबनानी कफर चौबा हिल्स में इजरायली सुमाका मिलिट्री साइट पर भी भीषण गोले दागे हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने माना कि उत्तरी बस्तियों में हिजबुल्ला की ओर से किए गए हमलों में इमारतों और इजरायली सैन्य बलों के ठिकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि मेटुला में एक मिसाइल से सीधे हमले से भी जमकर तबाही मची है। इसी बीच उत्तरी तटरेखा पर हाइफा से लेकर नाहरिया और उसके आसपास जबरदस्त ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया। इससे दूर तक धुएं का गुबार देखा गया था। इजरायली मीडिया ने भी दावा किया है कि लेबनान से दागा गया एक रॉकेट ऊपरी अल जलील में गोमा जंक्शन पर गिरा। इसके कारण यातायात और पैदल यात्रियों के लिए सड़क बंद हो गई। एक मिसाइल मोशाव गोन में जाकर गिरी, जबकि शतुला, जरीट, शोमरा और यहां तक कि मेनाकेम की बस्तियों में भी हवाई हमले के चलते सायरन बज उठे। वहीं हिजबुल्ला के हमले के जवाब में IDF ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्ला ने उसके दो सदस्यों की मौत की घोषणा की है। और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 3 सदस्यों की मौत की पुष्टि की है।